मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो इडली में जाने के लिए क्या क्या है, ये माश की दाल है, ये देखिए, इसको मैं एक बॉल डाल देती हूँ ये इसमें। एक बॉल ये है, ये दो बॉल हो गई। अब जितनी दाल मैंने डाली है उसका डबल मैं चावल डालूंगी। ये देखिए एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार मैंने चावल डाला है, दो बॉल डाला है। अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, इसको खूब अच्छी तरह से धो के पानी डाल के मैं रख दूंगी। इसको मैं पीस के बताऊंगी। सांभर बनाने के लिए ये आधा किलो 500 ग्राम मैंने दाल ले ली है, अरहर की दाल है ये, और उसमें डालने के लिए मैंने इमली ली है 50 ग्राम इमली है। इसको मैं पानी में डाल के भिगो देती हूँ। ये देखिए मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, इसे भीग जाएगी। ये मसाला है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर है 2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर है 2 चम्मच। दाल में डालने के लिए, सांभर में डालने के लिए लौकी मैंने लिया है आधा किलो, इसको बारीक बारीक मैंने ये काट लिया। ये देखिए मैं जब रेडी करूंगी तब ये मैं इसको बताऊंगी आपको, देखिए इसको कैसे डालना है। एवरेस्ट का मसाला है सांभर मसाला, मैं इसको बाद में बताऊंगी। अब उसको चटनी बनाने के लिए, मैं सांभर में इडली में खाने वाली चटनी मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए धनिया है, एक बाउल धनिया है, मैंने इसको पत्ती निकाल ली है, इसकी जड़ हटा दी है। 10 से 12 हरी मिर्ची है और 50 ग्राम ये पाउडर है खोपरे का, गरी का पाउडर है, ये सींग दाना है जिसको बोलते हैं मूंगफली का दाना, इसको मैं रोस्ट करूंगी। इसको चटनी बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सांभर बनाने की विधि। देखिए मैंने दाल धो दिया खूब अच्छी तरह से, इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं लौकी डाल लेंगी, इसको चला लेना है। अब इसमें मैंने जो आपको मसाला दिखाया था, ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, अब इसको डाल देती हूँ। इसको खूब अच्छे से चला देती हूँ। इसको लॉक कर देती हूँ। पानी मैंने डाल दिया है आधा कुकर है ये, क्योंकि दाल गाढ़ी नहीं रहती है सांभर की, पतली रहती है, इसलिए मैंने, अगर गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा पतला कर लूंगी। अब मैं लॉक करके गला लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अरे ये सांभर की दाल मेरी तैयार हो गई है, इसके अंदर पानी डाल लेना है। बिल्कुल जल रही है, इसके अंदर पानी ज्यादा डालना है मुझे, क्योंकि दाल में पानी, वो सांभर में गाढ़ी दाल नहीं रहती। ये देखिए इस तरह से मैंने रखा है सांभर दाल। अब इसको मैं एक बार पका लूं, क्योंकि मैंने पानी इसमें डाला है। पकाने के बाद मैं इसके अंदर क्या क्या डालेगा वो मैं आपको बता दूं। मैंने सांभर मसाला निकाल लिया है, चाव पाउच में मैंने निकाला था एवरेस्ट का सांभर मसाला। पानी डाल के मैं गोल रही हूँ उसको, ताकि उसके अंदर जाके घुल जाए सांभर में। ये इमली का पल्प है, मैंने आपको दिखाया था इमली, वो मैंने उसको ये निकाल लिया है, इमली का छिलका निकाल लिया, गुदा निकाल लिया है। अब मैं इसको डालूंगी सांभर के अंदर। ये देखिए सांभर मेरा पक गया है, अब मैं इसके अंदर चला लेना
सांभर मसाला मैंने इसको पाउडर देखा, इसका प्याले में निकाल के पानी डाल के घोल लिया है। मैं इसको डालूंगी इसके अंदर, खूब अच्छे से चढ़ा लेना है, खूब अच्छे से पक जाए तब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। मेरा सांभर तैयार है, मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। मैं चटनी बना रही हूँ सांभर में डालने वाली, खाने वाली चटनी, और मैं इसको रोस्ट करूंगी। ये देखिए, ये मेरा बादाम जो है, मूंगफली का दाना रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको मिक्सर में डाल देती हूँ ठंडा करके। अगर आपको इसका छिलका उतारना है तो आप छिलका उतार लीजिएगा, मैं छिलका नहीं उतारती हूँ, वैसे ही डाल के। ये देखिए, अगर आपको छिलका उतारना हो तो इसको ठंडा करके इस तरह से छील लीजिएगा, मसल लीजिएगा, छिलका उतार दीजिएगा। ये धनिया मैं इसमें डाल देती हूँ, मिर्ची, दरी का बुरादा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पानी डाल दें इसमें, इसका पेस्ट बनाना है। चटनी के लिए मैंने पतीली चढ़ा दी है, अब इसमें तेल डाल लेंगे। हल्का सा तेल होने के बाद मैं राई डालूंगी, देखिए राई चट गया। ये लाल मिर्ची सूखी लाल मिर्ची लेंगे, हल्का सा लाल मिर्च, कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया। ये देखिए, कड़ी पत्ता हो गया मेरा, ये मैंने चटनी बनाई थी जो आपको दिखाई थी, ये चटनी। ये देखिए मैंने पीस लिया है मिक्सर में,
अब मैं इसको डाल देती हूँ। थोड़ा गाढ़ी ही रहती है ये चटनी, ये देखिए इस तरह से मैंने रखा है। थोड़ा सा पानी और डाल दिया। ये पक जाएगा तब मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा इडली बैटर बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब मैं इसको इडली बनाती हूँ। इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाला है, खाने वाला सोडा एक चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। ये देखिए, क्योंकि सर्दियों में पनीर कम उठता है, जल्दी नहीं उठता, 8 से 9 घंटा लगता है। अब मैं इडली बनाने वाली हूँ। मैंने इसमें हल्का सा तेल लगा लिया था ताकि चिपके नहीं। अब मैं इसको, ये देखिए, चाकू की मदद से मैं इसको हल्का हल्का चारों तरफ से ऐसे राउंड करके काटे की मैं इसी तरह से हर इडली को इसी तरह से निकालूंगी। ये देखिए, ये देखिए मेरी ये चटनी, सांबर चटनी, इडली की चटनी और ये सांबर मेरा रेडी है। ये मेरी इडली है। मैं इसके ऊपर सबसे पहले चटनी डालूंगी। अब मैं इसमें सांबर डालूंगी।